करते हैं सबसे पहले हम सिंपली इसके अंदर कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख दोस्तों मैं सकते हो आपको इसके बहुत ही अंदर। खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कुछ घर पर ट्राई बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, 100 वाट का एसी बल्ब। चलिए दोस्तों अब मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ कि इसके साथ हम क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों इजीली आपने घर में इसको जलाकर तो देखा होगा, चलिए हम इसको एक बार आपको जलाकर। दोस्तों ये हमारी वर्किंग टेबल, यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको आपको एक बार जला कर दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर एक किस तरीके से हमारा जो है एलईडी बल्ब ग्लो होता है। तो देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से जो हमारा एलईडी बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। अगर इसी एलईडी बल्ब को अगर हम पानी के अंदर चलाकर देखें तो क्या होगा। सो दोस्तों आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी घर पर ट्राई नहीं करना है। इस वीडियो को देखो और मजे लो। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो ये जो हमारा बल्ब है किस तरीके से, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है जो हमारा एलईडी बल्ब है किस तरीके से ग्लो कर रहा था। अगर दोस्तों इसी एलईडी बल्ब को अगर हम पानी में चलाते हैं तो हमारा इस एलईडी बल्ब का क्या होता है, या हमारी शॉर्ट सर्किट से फूट भी सकता है, जल भी सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। तो दोस्तों प्लीज ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई बिल्कुल मत करना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस बल्ब को पानी के अंदर डालकर आपको जलाकर दिखाता हूँ क्या होता है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी वर्किंग टेबल पर। यहाँ पर मेरे पास है एक पानी से भरा मग। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो इसके अंदर पानी ही है नॉर्मल, जो कि हम घर में यूज करते हैं खाना पानी के लिए। चलिए दोस्तों अब देखिए ये रहा हमारा जो है 100 वाट का बल्ब। अब आप सभी लोग सोच रहे हो यहाँ पर मैंने टैप का यूज क्यों किया है। इस दोस्तों टैप का यूज इसीलिए किया है जो कि इसके अंदर पानी ना जाए। अगर पानी चला गया तो दोस्तों हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा, पानी के बुलबुले होंगे, इस कारण हमारा जो एलईडी बल्ब है नहीं जल पाएगा। चलिए दोस्तों ज़्यादा रिस्क लिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको डालते हैं सबसे पहले हम सिंपली इसके अंदर कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से इसको साथ देंगे। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। चलिए यहाँ पर आप लगाते हैं इसके वायर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो ये जो हमारा एलईडी बल्ब है 100 वाट का अच्छी तरीके से जल रहा है। पता नहीं कैसे जल रहा है, पर दोस्तों ये पानी के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से जल रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। आप लोग ऐसा बिल्कुल ट्राई मत करना दोस्तों। जो हमारा एलईडी बल्ब है पानी के अंदर ग्लो कर रहा था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इसी तरीके के आप एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को। प्लीज दोस्तों आप अपने घर पर बिल्कुल ट्राई मत करना, ये बिल्कुल डेंजरस है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से लगाकर इसकी, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग अभी भी देख सकते हो ये जो बल्ब है पूरी तरीके से बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्लो कर रहा है। सो पता नहीं दोस्तों ये पानी के अंदर कैसे जल पा रहा है, लेकिन दोस्तों ये पानी के अंदर जल रहा है। इजीली आप सभी लोग देख सकते हो ये जो पानी ही है। सो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो इस पानी के अंदर थोड़े थोड़े बुलबुले जो है निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। पता नहीं दोस्तों ये ब्लास्ट भी हो सकता है। चलिए इसको रखते हैं साइड दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो करते हैं एंड। अगर आपको इसी तरीके से और नए नए कंटेंट चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।